दोस्तों इन दिनों सुर्खियों में चल रही है कबीर सिंह। पहले दिन के शानदार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 20.21 करोड़ रुपए के बाद शानदार शाहिद कपूर की परफॉर्मेंस। फिल्म वाकई में काफी जबरदस्त है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट होने की कगार पे आ गई है पहले ही दिन से। लेकिन हम सभी जानते हैं कि फिल्म का एक दर्शक वर्ग लगातार इस फिल्म की नेगेटिविटी फैला रहा है फेमिनिज्म के नाम पे, कि इस फिल्म में दिखाया गया है कि हमेशा लड़कियां लड़कों के नीचे दबके ही रहती है। इस बारे में जब समाज को संदेश देने वाले एक्टर अक्षय कुमार से बात की गई कि क्या कबीर सिंह में दिखाई गई चीजें क्या सच में दर्शकों के मन में कुछ बात डालती है, क्या वाकई में समाज पे इसका गलत प्रभाव पड़ता है, तो अक्षय कुमार ने एक बेहतर ही और शानदार सा जवाब दिया। अक्षय कुमार ने कहा कि अगर फिल्मों का इतना ही ज्यादा असर लोगों में पड़ने लगे और बुराई वो अपने अंदर लेने लगे तो यहाँ पे फिल्मकारों की गलती नहीं बल्कि दर्शकों की गलती है। मैं मानता हूँ कि फिल्मों का असर समाज पे जरूर पड़ता है। अक्षय ने अपनी फिल्म पैडमैन और टॉयलेटिक प्रेम कथा जैसी फिल्म के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं कि हर फिल्म इस प्रकार की ही बने, क्योंकि बॉलीवुड आखिर खुद का कुछ एंटरटेन भी रखती है। कबीर सिंह मेरे ख्याल से एक बेहतर फिल्म है और इस माध्यम से कोई भी गलत प्रभाव समाज पे नहीं पड़ना चाहिए। अगर लोग ऐसी नेगेटिविटी खुद के अंदर लेते हैं तो यहाँ पर सीधी सीधी गलती लोगों की ही होगी कि वो फिल्म से कुछ ऐसा अपने अंदर ले रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि फिल्म में कबीर सिंह का जो कैरेक्टर है वो काफी ज्यादा पॉजिटिविटी भी रखता है, दर्शक उसे भी देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि अक्षय कुमार का ये रिएक्शन कबीर सिंह पर कैसा रहा, कमेंट बॉक्स में बताएं। सब्सक्राइब करें देखो देखो और भी खबर जानने के लिए।